हेलो हाय, नमस्कार फ्रेंड्स। देखो, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो दिया था जहाँ पर कुछ ऐसे अपकमिंग स्मार्टफोन के ऊपर मैंने डिटेल में बात करी थी, बट वो वीडियो ज़्यादा यार चली नहीं पाई कि काफ़ी लोगों तक जाए। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करना। वहाँ पर जैसे कि वीवो X100 है, X100 Pro है, iQOO 12 है, OnePlus 12 है, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में बात करी, ये कब लॉन्च होंगे और ये क्या कुछ लेकर के आते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और उस वीडियो को मैं ऐड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। तो प्लीज़ एक बार आप उसे चेकआउट करना और मुझे कमेंट करके बताना कि वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी इस वीडियो में वो आपको कैसी लगी। खैर, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो की रेनो सीरीज के ऊपर। देखो, ओप्पो की तरफ से जो लीक आई है, यहाँ पर ओप्पो रेनो 11 आएगा और ओप्पो रेनो 11 प्रो आएगा। अब बाद में क्या आता मुझे नहीं पता, बट मेरे पास अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, डिस्प्ले कैसी है, ये लॉन्च कब होगा, आज ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर ये चैनल आपको जरा सा भी आपके काम कर लगे तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो देर नहीं करते, सटाक से हम इसकी डिस्प्ले से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर 6.7 इंच की 1.5 के 10 बिट वाली डिस्प्ले मिलेगी जो 3200x14 पिक्सल के साथ आएगी, और इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आएगा, तो डिस्प्ले काफ़ी बटर स्मूथ होने वाली है। अगर हम बात करें इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस की, तो यहाँ पर 1200 नीट की पीक ब्राइटनेस लेकर क्या है। देखो, 1200 जो नंबर है, नंबर ऑफ ज़्यादा लगता है, बट यहाँ पर 30 से 35 हज़ार रुपये के काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जहाँ पर इतनी ब्राइटनेस हमें मिल जाती है। तो इनडोर चाहे आउटडोर, इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी कमाल रहने वाली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी इसमें HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, वाइड बैंड L1 मिलेगा, Amazon एंड Netflix पर आप आराम से HDR10 प्लेबैक कर सकते हैं। अब अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पर Snapdragon का 8th Gen 1 का प्रोसेसर मिलने वाला है जो 4nm प्रोसेसर है। यहाँ पर BGMI में 60fps पर आप आराम से गेम इन्जॉय कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि Snapdragon का 8th Gen 1 जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, तो गेमिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं उस पार्ट की जो आपका और मेरा दोनों का फेवरेट है, वो है कैमरा। कैमरे की बात करें तो ओप्पो रेनो 11 प्रो में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा विद OIS, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा जो 2x ऑप्टिकल जूम कर सकता है। अब देखो, ये जो 2x ऑप्टिकल जूम वाला सिस्टम है, देखो मेरे हिसाब से ये कम है, 3x तो होना ही चाहिए था नॉर्मल, और 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और सिर्फ 2x ऑप्टिकल जूम कर सकता है, मेरे हिसाब से कि 3x करना चाहिए था। काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन हैं जहां पर 3x जूम का हमको ऑप्शन मिलता है, काफ़ी सारे सैमसंग के ही फ़ोन उठा लो, वहां पर 3x ऑप्टिकल जूम आप कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा मुझे कम लगा। बाकी इसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, तो सेल्फी भी काफ़ी कमाल होने वाली है। देखो, मुझे जैसा पता चला है कि ओप्पो का कहना है कि इनका ये जो फ़ोन है ओप्पो रेनो 11 प्रो, इसका कैमरा SLR को टक्कर देगा, यानी कि इसके जो पोर्ट्रेट आएंगे वो एक कैमरे से कंपेयर करे जा रहे हैं। अब ये तो फ़ोन आने के बाद पता चलेगा कि क्या कमाल इसका कैमरा करने वाला है। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में 8K 24fps तक का ऑप्शन मिलता है, तो यार ये काफ़ी देखो कमाल लगा मुझे कि यहाँ पर 4K 60fps का ऑप्शन है, 8K 24fps का ऑप्शन है। तो जो ब्लॉगर हैं या तो मेरी तरह वीडियो क्रिएटर हैं, उनके लिए तो ये तगड़ा होने वाला है। आप बताना, आप ये यूज करेंगे या ये नहीं यूज करेंगे। बाकी यहाँ पर फ्रंट कैमरे से भी 4K 60fps तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो, अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 13 के साथ ये आएगा, और इसमें 2 साल का OS अपडेट होगा और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट होगा। बाकी अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो 23 नवंबर को ये इंडिया में पूरी तरह लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आप सबके साथ शेयर करूंगा। बाकी इसकी प्राइस का देखो, मेरे पास अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा कि ये क्या प्राइस लेकर के आने वाला है, या मुझे जैसे ही पता चलता है इसकी प्राइस के बारे में और इसकी चार्जिंग वगैरह के बारे में, उसकी बैटरी वगैरह के बारे में, तो मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही शेयर करूंगा, बट करूंगा जरूर। तो आज की वीडियो अपनी इतनी थी, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर कर रही थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने काम की लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अगर आपको आपके काम का लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।